हेलो स्टूडेंट्स, बिरला स्कूल आपका स्वागत करता है। आज हम सभी क्लास 3 के कार्य पत्रिका 15 का अध्ययन करेंगे। क्वेश्चन दे रखा है बेटा, सबसे पहला लिंग किसे कहते हैं लिखिए, लिंग किसे कहते हैं लिखना है, लिंग किसे कहते हैं यानी कि वे शब्द जिनसे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उसे क्या कहते हैं, लिंग कहते हैं। यानी कि जिसे पुरुष या स्त्री जाति का बोध होता है उन्हें क्या कहेंगे, लिंग कहते हैं। अगला क्वेश्चन दे रखा है कि लिंग के कितने भेद हैं, नाम भी लिखिए। अब लिंग के कितने भेद होते हैं, तो लिंग के दो भेद होते हैं। पहला होता है स्त्रीलिंग जिसे स्त्री जाति का बोध होता है, दूसरा होता है पुलिंग जिसे पुरुष जाति का बोध होता है। तो लिंग के दो भेद हैं, स्त्रीलिंग और पुलिंग। अगला क्वेश्चन दे रखा है, सही शब्द चुनकर रिक्त स्थान भरिए, मामी माली पुरुष और अध्यापिका, सही शब्द चुनना है और रिक्त स्थान की पूर्ति करना है। पौधा लगा रहा है, कौन लगा रहा है, माली, तो फर्स्ट में हो गया माली, माली पौधा लगा रहा है। स्त्रीलिंग का पुलिंग क्या होता है, पुरुष होता है। स्त्री का पुलिंग क्या होता है, पुरुष, तो हमने यहां लिखा पुरुष। पढ़ा रही है कौन, अध्यापिका, अध्यापिका पढ़ा रही है। मामा जी मामी के साथ आए। नेक्स्ट दे रखा है, सही कथन पर सही और गलत कथन पे गलत का चिन्ह लगाना है। क दे रखा है, लिंग के दो भेद होते हैं, हाँ लिंग के दो भेद होते हैं, तो हमने यहां पे राइट किया लिंग के दो भेद होते हैं। नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी होता है, हाँ नौकर का स्त्रीलिंग नौकरानी है, तो यहां पे हमने राइट किया। ग है, स्त्री जाति की पहचान कराने वाले शब्द पुलिंग शब्द कहलाते हैं, नहीं, क्योंकि स्त्री जाति का पहचान करने वाले शब्द स्त्रीलिंग कहलाते हैं, ये गलत है, इसलिए हमने यहाँ पे गलत कर दिया। रविवार का स्त्रीलिंग रविवारी होता है, नहीं ये भी गलत है, तो हमने यहाँ पे गलत कर दिया। आप नेक्स्ट क्वेश्चन देख रहे होंगे बेटा कि चित्र को पहचान कर उनके नाम स्त्रीलिंग व पुलिंग के रूप में लिखना है। ये चित्र दे रखे हैं, जो पुलिंग है उनको पुलिंग में लिखना और जो स्त्रीलिंग है उन्हें स्त्रीलिंग में लिखना। सबसे पहला किसका चित्र, इमली, तो इमली क्या है, स्त्रीलिंग है, तो हमने यहाँ पे इमली स्त्रीलिंग में लिख दिया। आम क्या है बेटा, आम पुलिंग होता है, तो आम यहाँ पे पुलिंग में हो गया। बंदर, बंदर भी क्या है, पुलिंग, तो हमने यहाँ बंदर को पुलिंग में लिख दिया। शेर, ये भी पुलिंग है। गाय, गाय स्त्रीलिंग है, तो हमने स्त्रीलिंग वाली सारणी में लिखा पुरुष, पुरुष यहाँ पे पुलिंग में। छात्रा स्त्रीलिंग है और अध्यापिका भी क्या है, स्त्रीलिंग है। ओके स्टूडेंट्स, टेक केयर, बाय बाय।